घनमूल निकालना सीखें। देखिए इधर से आप एक लिख दीजिए और इधर से आप 10 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर होगा 101। 101 का घन करें तो इतना होगा और इतना का घनमूल निकालें तो 101 होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिकंदर, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मैथ चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट घनमूल का सवाल लेकर आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी सवाल मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों हार्ड वर्क करके मैंने यह ट्रिक बनाया हूँ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो कोई भी सवाल मात्र 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों घनमूल निकालने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक समझना होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 1 है तो घनमूल का अंतिम अंक 1 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 8 है तो घनमूल का अंतिम अंक 2 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 7 है तो घनमूल का अंतिम अंक 3 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 4 है तो घनमूल का अंतिम अंक 4 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 5 है तो घनमूल का अंतिम अंक 5 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 6 है तो घनमूल का अंतिम अंक 6 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 3 है तो घनमूल का अंतिम अंक 7 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 2 है तो घनमूल का अंतिम अंक 8 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 9 है तो घनमूल का अंतिम अंक 9 होगा। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 0 है तो घनमूल का अंतिम अंक 0 होगा। दोस्तों घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक का घन याद रखना होगा। देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 1 है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब बचा 1030। अब इसके निकटतम घन आपको पता करना है, इसके निकटतम घन कितना होता है, इसके निकटतम घन होता है 1000। इसके निकटतम घन कितना होता है, 1000 होता है और 10 जो है 1000 का घनमूल है, 10 जो है 1000 का घनमूल है। तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 101। 101 का घन करें तो इतना होगा और इतना का यदि हम घनमूल निकालें तो 101 होगा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है, तो आपको क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए अंतिम अंक क्या है, 1 है, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, 1 होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। वो ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन 0 सेकंड में सॉल्व होगा। अब देखिए अब बचा 753। अब इसके निकटतम घन आपको पता करना है, इसके निकटतम घन कितना होता है, 729 होता है। 9 जो है 729 का घनमूल है, 9 जो है 729 का घनमूल है, तो 9 यहाँ पर लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 91। यदि हम 91 का घन करें तो इतना होगा, इतना का यदि हम घनमूल करें तो 91 होगा। देखिए यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अंतिम अंक 2 है ना, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, 8 होता है। अब बचा 941, तो इसके निकटतम घन आपको पता करना है, इसके निकटतम घन होता है 729 और 9 जो है 729 का घनमूल है, 9 जो है 729 का घनमूल है, तो ये 9 यहाँ पर लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 98। 98 का घन करें तो इतना होगा और इतना का यदि हम घनमूल निकालें तो 98 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए अंतिम अंक क्या है, 7 है, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, उसका इकाई अंक हो जाता है 3। अब देखिए 389 बचा है, तो इसके निकटतम घन कौन सा है, इसके निकटतम घन कौन सा है, इसके निकटतम घन है 343। 343 सात 343 का घनमूल है, 7 जो है 343 का घनमूल है, तो दहाई अंक पर 7 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 73। 73 का घन करें तो इतना होगा, इतना का घनमूल निकालें तो 73 होगा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, 0 सेकंड लगेगा। मैं आपको क्या बताया हूँ, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अंतिम अंक 9 है, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। अब बचा 704, तो इसके निकटतम घन आपको पता करना है, तो इसके निकटतम घन कौन सा है, इसके निकटतम घन होता है 512।
और 8 जो है 512 का घनमूल है, 8 जो है 512 का घनमूल है, तो दहाई अंक पर 8 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 89। 89 का घन करें तो इतना होगा, इतना का घनमूल निकालें तो 89 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, मात्र 0 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, आसान तरीका से मैं समझा रहा हूं, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 6 है तो घनमूल का अंतिम अंक क्या होगा, 6 होगा, पहले मैं बता चुका हूं, तो अंतिम अंक 6 है तो यहां 6 लिखिए। अब देखिए, अब बचा 3 अंक, 884 बचा है। अब आपको क्या करना है, इसके निकटतम घन पता करना है कि इसके निकटतम घन कौन सा है, इसके निकटतम घन या इसके बराबर घन आपको पता करना है। तो इसके बराबर घन तो कोई है नहीं, इसके निकटतम घन कितना है, 729। और 9 जो है 729 का घनमूल है, 9 729 का घनमूल है, तो दहाई अंक पर 9 हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया 96। देखिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। यदि 96 का हम क्यूब करें यानी कि घन करें तो इतना होगा, और इतना का घनमूल निकालें तो 96 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, आपको मैं एक आसान तरीका से बता रहा हूं। देखिए, किसी भी संख्या को घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। देखिए, अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 9 है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। अब देखिए, अब बचा 3 अंक, यानी कि 970 बचा है, तो इसके आसपास घन आपको पता करना है कि इसके आसपास घन कौन सा है, इसके आसपास घन है 729। और 9 729 का घनमूल है, 9 जो है 729 का घनमूल है, तो दहाई अंक पर 9 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 99। देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि 99 का हम घन निकालें तो इतना आएगा, और इतना का घनमूल निकालें तो 99 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, मात्र 0 सेकंड में निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद, अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 4 है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए, 592 बचा है, अब इसके निकटतम घन पता कीजिए। इसके निकटतम घन कितना होता है, 512 होता है, 512 होता है। इसके निकटतम घन कौन सा है, 512 है। 8 512 का घनमूल है, 8 जो है 512 का क्या है, घनमूल है, तो दहाई अंक पर 8 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 84। 84 का यदि हम घन करें तो इतना होगा, और इतना का यदि हम घनमूल करें तो 84 होगा। देखिए यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, मात्र 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, दाईं ओर से आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। अब देखिए, अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 6 है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। अब पता करना है 46 के आसपास, यानी कि 46 के निकटतम घन कौन सा है, तो 46 के निकटतम घन है 27, और 3 जो है 27 का घनमूल है, तो दहाई अंक पर 3 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 36। 36 का घन करें तो इतना होगा, इतना का घनमूल करें तो 36 होगा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, 0 सेकंड लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो 0 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद, अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 4 हो, अगर पूर्ण घन का अंतिम अंक 4 हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। अब बचा 13, 13 के निकटतम घन कौन सा है, 13 के निकटतम घन कौन सा है, 13 के निकटतम घन है 8, और 2 8 का घनमूल है, 2 8 का घनमूल है, तो दहाई अंक पर 2 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 24। 24 का यदि हम घन करें तो इतना आएगा, और इतना का घनमूल करें तो 24 आएगा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों किसी भी संख्या का घनमूल निकालें मात्र 2 सेकंड में, मैं पहले से बता रहा हूं कि मात्र 2 सेकंड में निकाल पाएंगे किसी भी संख्या का घनमूल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले दाईं ओर से आपको 3 अंक का समूह बना लीजिए। अब देखिए 3 अंक की अंतिम अंक क्या है भैया, 8 है, यानी पूर्ण घन का अंतिम अंक 8 हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है। अब आपको पता करना है 238 बचा है, 238 के निकटतम घन कितना है, आपको याद होगा 238 के निकटतम घन है 216, और 6 जो है 216 का घनमूल है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 62। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया।
दोस्तों इस संख्या का घनमूल मात्र 0 सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले 3 अंक का समूह बना लीजिए। अब देखिए 3 अंक की समूह के लास्ट में जो है 5 है, यानी कि पूर्ण घन का अंतिम अंक यदि 5 हो तो उसका इकाई अंक क्या होता भैया, उसका इकाई अंक हो जाता 5। अब आपको पता करना 15 के निकटतम घन क्या है, 15 का निकटतम घन है 8 और 2 जो है 8 का घनमूल है, 2 जो है 8 का घनमूल है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 25। देखिए यहाँ बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि हम 25 का घन करें यानी कि 25 का क्यूब करें तो कितना होगा, 15625 होगा। दोस्तों 19683 का घनमूल निकालना है, इस संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं मात्र 0 सेकेंड के अंदर अगर आप मोर प्रैक्टिस करते हैं तो। देखिए अब आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह पहले बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद यदि पूर्ण घन का अंतिम अंक तीन हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 7 होता है। अब बचा 19 के निकटतम घन कौन सा है, आपको याद होगा निकटतम घन है 8 और 8 जो है 2 का घनमूल कितना होता है, 8 होता है, तो 2 आप यहां लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 27। 27 का यदि हम क्यूब करें तो 19683 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, दोस्तों 0 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए किसी पूर्ण घन का अंतिम अंक यदि 9 हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। अब बचा 24, अब आपको क्या करना है, 24 के निकटतम घन कौन सा है, 24 के निकटतम घन है 8 और 8 जो है 24 के निकटतम घन है 8 और 2 जो है 8 का घनमूल है, 2 जो है 8 का घनमूल है, यहाँ 2 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया। देखिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए यदि हम 29 का क्यूब करें तो 24389 होगा। दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल पता करना है, दोस्तों 0 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहले मैं आपको क्या बताया, दाईं ओर से आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक के समूह में कौन सा आ गया, 791 आ गया। अब आपको पता करना है कि पूर्ण घन का अंतिम अंक यदि एक हो तो इकाई अंक 1 हो जाता है। अब बचा 29, अब आपको पता करना है कि 29 के निकटतम घन कौन सा है, 29 के निकटतम घन है भैया 27 और 3 जो है 27 का घनमूल है, 27 का घनमूल है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 31। 31 का यदि हम क्यूब करें तो 29791 आएगा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल पता करना है, दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो 0 सेकंड में निकाल पाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक में आ गया 937, पूर्ण घन का अंतिम अंक यदि सात हो तो इकाई अंक हो जाता है 3। अब बचा 35, अब 35 के निकटतम घन कौन सा है भैया, 35 के निकटतम घन कौन सा है, तो निकटतम घन कितना है 27 है और 3 जो है 27 का घनमूल है, यहाँ 3 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 33। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, मात्र 0 सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए 3 अंक समूह के अंदर आ गया 319, पूर्ण घन का अंतिम अंक यदि 9 हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता, उसका इकाई अंक हो जाता 9। अब बचा 59 जो बचा है, पता कीजिए कि निकटतम घन कौन सा है, निकटतम घन है 27 और 3 जो है 27 का घनमूल है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 39। देखिए यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि हम 39 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 59319 आएगा। देखिए मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, किसी पूर्ण घन के अंतिम अंक यदि 6 हो तो उसका इकाई अंक 6 हो जाता है। अब बचा 97, अब 97 के निकटतम घन कौन सा है भैया, निकटतम घन है 64 और 4 जो है
चार 64 का घनमूल है, चार जो है 64 का घनमूल है, तो यहाँ चार लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 46। 46 का यदि हम क्यूब करें तो 97,336 होगा। देखिए यहाँ ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों देखिए इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है। दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या का घनमूल मात्र 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए यदि पूर्ण घन का अंतिम अंक 3 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा भैया, उसका इकाई अंक होगा 7। अब बचा 103 जो बचा है, अब पता कीजिए इसके निकटतम घन कौन सा है, इसके निकटतम घन है 64 और 4 64 का घनमूल है, 4 जो है 64 का घनमूल, यहाँ 4 लिखिए, आपका राइट आंसर हो गया 47। यदि हम 47 का क्यूब करें तो इतना प्राप्त होगा। देखिए आपका यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों देखिए मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, मात्र 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद अब आपको पता करना है यदि पूर्ण घन का अंतिम अंक यदि 9 हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 9 होता है। अब बचा 117 के निकटतम घन कौन सा होगा, 117 के निकटतम घन होगा भैया 64। 64 जो है 117 के निकटतम घन 64 है, 4 जो है 64 का घनमूल है, 4 जो है 64 का घनमूल है, तो यहाँ हो गया 4 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 49। 49 का यदि हम क्यूब करें तो इतना प्राप्त होगा। देखिए यहाँ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों ये जो इसका मुझे घनमूल निकालना है 0 सेकंड लगेगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक में आ गया 304। अब आपको क्या करना है, अंतिम अंक 4 है ना, तो उसका इकाई अंक 4 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको पता करना है कि 39 के निकटतम घन कौन सा है, निकटतम घन है 27 और 3 जो है 27 का घनमूल है, 3 जो है 27 का घनमूल है, यहाँ 3 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 34। बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यदि हम इसका घनमूल प्राप्त करें तो 34 आएगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या का घनमूल मात्र 0 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले 3 अंक का समूह बना लीजिए, दाईं ओर से आप 3 अंक का समूह बना लीजिए। तब देखिए अंतिम अंक क्या है भैया, अंतिम अंक 8 है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। अब बचा 551। अब आपको पता करना है इसके निकटतम घन कौन सा है, इसके निकटतम घन कितना भैया 512 है, इसके निकटतम घन कितना होगा 512। तो अब आपको पता करना है कि 8 जो है 8 512 का घनमूल है, 8 जो है 512 का घनमूल है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 82। यदि हम इसका घनमूल प्राप्त करें तो 82 आएगा। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यदि हम 82 का घन निकालने जाएं तो कितना आएगा, 551,368 आएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देखिए इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है, 0 सेकंड आपको टाइम देना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए, तो अंतिम अंक 9 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए 704 बचा हुआ है, अब आपको क्या करना है, 704 के निकटतम घन आपको पता करना है, निकटतम घन कितना होता है भैया 512 होता है, और 8 जो है 512 का घनमूल है, 8 जो है 512 का घनमूल है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 89। इसका यदि हम घनमूल प्राप्त करें तो कितना आएगा 89। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 0 सेकंड का टाइम लगेगा इस संख्या का घनमूल निकालने के लिए, 0 सेकंड आपको टाइम देना होगा। देखिए 3 अंक का समूह बना लीजिए, दाईं ओर से 3 अंक का समूह बना लीजिए। अब देखिए अंतिम अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब बचा 729। अब आपको पता करना है इसके निकटतम घन या इसके बराबर घन, तो इसके बराबर में ही आ जाता है 729। 9 जो है 729 का घनमूल है, 9 जो है 729 का घनमूल है, यहाँ 9 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 90। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यदि 90 का हम घन करें तो कितना आएगा, 729,000 आएगा। 729,000 का यदि हम घनमूल निकालें तो 90 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है। दोस्तों 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए अंतिम अंक 8 है, उसका इकाई अंक 2 हो जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब बचा 778। अब इसके निकटतम घन आपको पता होना चाहिए, निकटतम घन कितना भैया 729 है, 729 है, और 9 जो है 729 का घनमूल है, 9 जो है 729 का घनमूल है, तो राइट आंसर हो गया 92। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यदि 92 का हम घन निकालें तो 7,78,688 आएगा, और यदि 7 लाख
78,688 का यदि हम घनमूल निकालें तो 92 आएगा। दोस्तों देखिए, मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है, 0 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा आपको। देखिए आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए अंतिम अंक 5 है तो उसका इकाई अंक 5 हो जाता है। उसके बाद बचा 3 अंक 857। अब इसके निकटतम घन पता करना है तो निकटतम घन कितना है, 729 है। और 9 जो है 729 का घनमूल है, 9 जो है 729 का घनमूल है, 9 यहाँ लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 95। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि 95 का हम घन करें तो कितना आएगा, 857,375 आएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का मुझे घनमूल निकालना है, आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए अंतिम अंक 2 है, यदि अंतिम अंक 2 है तो उसका इकाई अंक 8 हो जाता है भैया, उसका इकाई अंक 8 हो जाता है। अब बचा 3 अंक 941, तो इसके निकटतम घन आपको पता करना है, निकटतम घन कितना है, 729 है, 729 है, 9 729 का घनमूल है, 9 जो है 729 का घनमूल है, तो आपका राइट आंसर हो गया 98। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यदि हम 98 का घन करें तो कितना आएगा, 941,192, 941,192 का यदि हम घनमूल निकालें तो 98 आएगा। देखिए दोस्तों मुझे इस संख्या का घनमूल निकालना है। दोस्तों बड़ा से बड़ा संख्या का घनमूल अब 0 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए इकाई अंक अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो 2 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, उसका इकाई अंक हो जाता है 8। अब बचा 195, तो 195 का निकटतम घन आपको पता करना है कि 195 के निकटतम घन कौन सा है, 125 है। 5 जो है 125 का घनमूल है, 5 125 का घनमूल है, यहाँ 5 लिखिए, आपका राइट आंसर हो गया 58। 58 इसका घनमूल कितना निकला, 58 निकला। देखिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका मुझे घनमूल निकालना है, 0 सेकंड टाइम देना होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद देखिए अंतिम अंक 7 है, उसका इकाई अंक 3 हो जाता है, आपको इतना ध्यान में रखना है, अंतिम अंक 7 है उसका इकाई अंक 3 होता है। अब बचा 35, अब 35 के निकटतम घन आपको पता करना है, तो 35 के निकटतम घन कौन सा है, 27 है, और 3 27 का घनमूल है, 3 जो है 27 का घनमूल है, यहाँ 3 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 33। यदि हम इसका घनमूल निकालें तो कितना होगा, 33 होगा। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है, अगर आपके पास 0 सेकंड टाइम है तो इस संख्या का आप घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 3 अंक का समूह बना लीजिए। 3 अंक का समूह बनाने के बाद आपको क्या करना है, अंतिम अंक 9 है तो उसका इकाई अंक 9 हो जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, यदि अंतिम अंक 9 है तो उसका इकाई अंक 9 हो जाता है। अब बचा 328, अब इसके निकटतम घन आपको पता करना है, इसके निकटतम घन कितना है, 216, इसके निकटतम घन कितना है, 216, और 6 का यदि हम घन करें तो कितना होता है, 216, यानी 6 जो है 216 का घनमूल है, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए, आपका राइट आंसर हो गया 69। यदि 69 का घन करें तो इतना आएगा, और इतना का यदि हम घनमूल निकालें तो 69 आएगा। देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तो देखते रहिए रीजनिंग मैथ।